ऐसा खाना चाहिए। पर मैं अभी आपको बताता हूँ, वो ऐसी है कि हमारी आधी थाली हरी चाहिए, मतलब हम जो खा रहे हैं कभी भी उसमें से आधा हरा चाहिए, उसको आप सलाद बोलो सब्जी बोलो, ठीक है, और चौथा हिस्सा चावल और चौथा हिस्सा दाल चाहिए। पर हम क्या करते हैं कि हम थाली भर दाल चावल खाते हैं, अंडा मटन खाते हैं, दही दूध खाते हैं, और इसकी टट्टी नहीं बनती। और ये संसार की सबसे बड़ी बीमारी है। संसार भर में बड़ों को टट्टी नहीं होती, फिर उनको कैंसर हो जाता है, और ये कैंसर बहुत बड़ा है संसार भर में। तो दया करिए, राष्ट्रीय नीति ऐसी है कि पहले अभी खाना, आदर्श खाना कैसे खाए वो सीखिए। भूख लगे सिवा मत खाओ, आधी 18 साल के बाद आधी भूख खाना खाओ, जो खाओगे उसमें आधा हरा चाहिए, सलाद बोलो फल बोलो सब्जी बोलो, और चौथा हिस्सा चावल या रोटी, और चौथा हिस्सा दाल या अंडा मटन, एक वाटी दही हो, और एक चुटकी से ज़्यादा नमक ना हो, क्योंकि ज़्यादा नमक से रक्तचाप बढ़ता है, और रक्तचाप बढ़ा हुआ ये भारत का नंबर वन मरण का कारण है। तो आप रसोई घर से नमक निकाल देंगे और शक्कर निकाल देंगे तो भारत की मौत कम हो जाएंगी। हम 18 साल के बाद सिर्फ आधी भूख खाना खाएंगे हर बार, और भूख लगे बगैर नहीं खाएंगे तो भी बहुत मौत कम हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा खाने से चर्बी आती है और बीपी हार्ट शुगर होके डॉक्टर लोग 35 साल से मरते हैं। तो सब पे दया करो, कभी मेहमान को ज़्यादा मत खिलाओ, पति को ज़्यादा मत खिलाओ, बहू 18 साल के बाद सबको दिमाग है, उनको जितना मर्जी खाएंगे, पर सबको सिखाओ कि आधी भूख खाए। और 6 महीने के बाद नए बच्चे को जन्म से माँ का दूध पिलाइए। पेट के बाहर आते के वो रोता है और बच्चा दूध के लिए रोता है, तो उसको दूध को लगाइए और उसको 6 महीना केवल माँ का दूध दीजिए। जिस दिन माँ का दूध कम लगेगा आपको, उस दिन आप उसको गोदी में बैठाइए। और जो हम जो खाते हैं उसमें दाल चाहिए चावल चाहिए, उसको मसल के होठों में लगाओ तो वो जीभ से खा लेगा। अगले बार उसमें थोड़ी सब्जी डालो, साग डालो, सब्जी डालो, सलाद डालो, और उसको मिक्सर में से निकालो। पर अगर वो सिर्फ दाल चावल खाएगा तो उसको टट्टी नहीं होगी। बच्चे का अनाज चम्मच में लो, बच्चे का अनाज एक चम्मच में लो और उसे आप टेढ़ा करो। अगर वो नीचे गिरता है तो उसमें पानी ज़्यादा है, 100 ग्राम दूध में 90 पानी होता है। तो दूध आप पानी की जगह दो, दूध खाना बोल के मत दो, बाहर का दूध। और जब बच्चा दाल चावल खाएगा और उसके साथ सलाद सब्जी खाएगा तो उसको टट्टी बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो टट्टी का पत्थर बनेगा, वो बाहर आने के टाइम जख्म करेगा, और वो दर्द के कारण बच्चे की टट्टी रुकेगी, खाना रुकेगा, और ये बच्चा भूखा रह के दुबला हो जाता है। तो ये भारत की ये खराब कहानी है कि हर बच्चे को ये बीमारी होती है, वो पहले 6 महीना अच्छा रहता है, फिर दुबला हो जाता है और ख़राब हो जाता है। क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि बच्चों को 6 महीने से घर का हर चीज़, मतलब दाल चावल सब्जी फल हर चीज़, घी डाल के मक्खन डाल के उनको दिन में 1000 बार खाने को लगता है, और हम 2 बार देते हैं, 4 बार देते हैं, ये बीमारी है। जितने बार बच्चा माँ का दूध पीता है उसके पहले उसको घर का दाल चावल सब्जी सलाद मिला के खिलाओ। उसको गले में गाजर बांधो, ककड़ी बांधो, करेला बांधो, मिर्ची बांधो, सब खाएगा। अनार का दाना खाने दो, मक्का का दाना खाने दो, गाजर का टुकड़ा, टमाटर का टुकड़ा, करेले, सब चीज़ खाते हैं बच्चे। बच्चों के 6 स्वाद जन्म से तैयार है, हम डर डर के भूखा रखते हैं और बच्चे मर जाते हैं, और उनको टट्टी की तकलीफ होती है। अगर आपके जैसे आग लगी तो धुआं दिखेगा, अगर धुआं नहीं तो आग नहीं, वैसा अगर बच्चा रोज 2 बार टट्टी करता है तो उसका पेट भरता है, अगर वो 1 बार टट्टी करता है तो उसको खाना कम पड़ता है, और वो रोज टट्टी नहीं करता तो भूखा है। ऐसा शक तो कीजिए और अपने डॉक्टर से मिलिए। और डायटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस इंटरनेट से डाउनलोड करा के 130 करोड़ लोगों को 1650 भाषाओं में बताइए, बुंदेलखंडी में बताइए, मैथिली में, मगही में, अवधी में, छत्तीसगढ़ी में, सब भाषाओं में बताइए, तब ये मुल्क अच्छा होगा। सबको बताए, जय हिंद।